हमारे साथ मौजूद है 24 साला फरहाना उर्फ दायम, जिनकी मंगनी होती है लेकिन मंगनी के कुछ ही टाइम बाद ये लड़की से लड़का बन जाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कहानी थी, ये चेंजिंग कैसे आई? आपकी पहले भी सहेलियां थी, पहले से कम है ज्यादा है? ज्यादा ही है। की मंत्र है। जब लड़की थे कभी किसी लड़के को प्रपोज किया? कितनी एज हो गई आप? 24। ये दो मराहल से गुजरी है, कितना कितना टाइम पीरियड था? 21 फर्स्ट का था, 3 ईयर सेकंड का है। 3 ईयर वाला ज्यादा अच्छा था या 21 वाला? जाहिर है जो ज्यादा टाइम पीरियड गुजरा है वो भी अच्छा था, और जो कम गुजरा है वो भी चल ही रहा है, अच्छा गुजरा है। दाई में एकदम से हालात बदल दिए, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हुआ क्या था? मैंने तो वाक्य ही बदल दिया। हुआ क्या था? ये तो मुझे भी नहीं पता। मसलन क्या फील हो रहा था, इशू क्या आ रहा था आपके साथ? इशू एकदम से सारे स्टार्ट हुए थे, मतलब पहले दो से तीन साल तक थोड़े हार्मोनल इशू रहे, उसके बाद फिर एकदम से चेंजिंग आना स्टार्ट हो गई। आपकी तो मंगनी भी हुई थी, जब आपके मुतवक्का शोहर को पता चला है कि अब आप उनकी बीवी नहीं भाई बन गए हैं, उनका क्या रद्द अमल था? नॉर्मली था सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट चल रहा था। आपका क्या रद्द अमल था? मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि यार हो क्या रहा है। लव मैरिज थी? अरेंज भी था, लव भी था, बहुत सारे थे, चले 50-50 था। उसके बाद फिर क्या हुआ, एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, डिप्रेशन में तो नहीं गए? गया था मैं डिप्रेशन में, तकरीबन 6 मंथ तक मैं रहा हूँ उसमें इन्वॉल्व, लेकिन सेट हो गया था। ऐसा ऐसा फैमिली ने कवर अप किया, फ्रेंड्स ने थोड़ा मतलब बाहर आना जाना स्टार्ट किया, नॉर्मल चला फिर। अच्छा दाइम, जब बंदा बालिग होता है तो इन चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाता है, तो आपको मंगनी के बाद पता चला, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब चेंजेस आना शुरू हो गए थे लेकिन उस पर फोकस नहीं कभी किया था मैंने कि यार चल क्या रहा है। मुझे था कि नॉर्मली लाइफ चल रही है तो ये मसले मसाइल होते रहते हैं लड़कियों के साथ, इस वजह से ना उसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब वॉइस इफेक्ट की ना, मेरी पिच हैवी हो गई, फिर ज़्यादा उस पर फोकस किया था मैंने। कितने बहन भाई हम? माशाल्लाह 4 भाई हैं और 2 सिस्टर्स हैं। पहले कितने? पहले 3 चल रहा था। यार आप इनके हाथ देखें, कसम से इनकी फिजिक चेंज हो रही है, देखे आए मुझे ऐसे ऐसे करें। इनडायरेक्टली चाह रहे हैं मैं आपको छेड़ू। आप हमारे भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए तो आपके पहलू में बैठा हूँ, बहन होती तो कभी ना आती। मुझे ये बताएं कि पहले आप हमारी बहन थी, अब हमारे भाई बन गए हैं। जिस तरह हम बात करते हैं, कोई लड़की जा रही हो, लड़के कहते हैं ओए ओ वेख, लड़कियाँ भी कहती हैं? हाँ कहती हैं, उनको जो पसंद आ जाए कमेंट तो पास होता ही है। क्या चलता है दोनों तरफ से? क्या कहती है? यार ये ना ताली दोनों हाथों से बजती होती है, कहावत याद रखना। क्या कहना उन्होंने, बस यार वो प्यारा लग रहा है, उसकी फिजिक अच्छी है, इस टाइप का कुछ बस। टाइम लड़का बनने के बाद जिंदगी में क्या चेंजेस आई है? जिंदगी बहुत ज़्यादा बाउंड हो गई है, जिम्मेदारियाँ और सब कुछ लेके चलना पड़ रहा है साथ में। पहले इतना नहीं था, बस चिल था पहले, अब थोड़ा है कि यार ये भी करना है वो भी करना है। इसलिए आपकी तो बहुत सारी सहेलियाँ होंगी, जब उन्हें पता चला है कि हमारी जो सहेली थी अब सहेला बन गया है, उनका क्या रद्द अमल था, क्या कहती थी? उन्होंने भी मतलब नॉर्मली रिएक्ट किया था, आए थे सब मिलने आए ऑपरेट के बाद, जैसे मैं घर आया था ना उसके बाद मैं सब मिलने आई थी, और सब वैसे ही चल रहा है, नॉर्मल है, कुछ इसमें ये नहीं कि हाय यार ये क्या हो गया। ऐसा नहीं था कुछ भी। सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग चीज़ थी आपके लिए क्या थी, जिसने आपको परेशान भी किया? लाइफ का चेंज होना मेरे ख्याल से ये कोई छोटी बात नहीं होती, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल रही है, आपके सारे काम ख़त्म हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ही मैटर करती हैं आपके लिए लाइफ। आप अभी स्टडी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या कितनी स्टडी की हुई? मैं ग्रेजुएट हूँ, मास्टर्स मेरा कंटिन्यू है और जॉब मेरी कंटिन्यू है, क्योंकि मैंने खुद को ग्रो करना था, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए जॉब भी ज़रूरी थी, और अब तो फिर घर की जिम्मेदारी। पहले भी जॉब कर रहे थे? हाँ जॉब पहले भी मैं कर रहा था, लेकिन वो ये नहीं था कि करनी ही करनी है, अब तो करनी है ना। मुझे ये बताएं कि आपकी पहले भी सहेलियाँ थी, अब भी होंगी, पहले से कम है ज़्यादा है? ज़्यादा ही है। थोड़ी सी ज़्यादा है, इतनी नहीं है, थोड़ी ज़्यादा। की मंत्र है? हुण तू साडा भरा है, साडा रब साडा बाण। खर्चा आपकी लड़कियां खुद रابطہ करती हैं या आप करते हैं?
नहीं मैंने किसी से नहीं किया, तो मेरे सोशल उससे मतलब आई अकाउंट से, ज्यादा नहीं है मेरा। किस तरह आई थी आके, उनका पहला मैसेज क्या था, क्या कहती थी, दायम या फरहाना, मैं आना के ना आना? नहीं, उन्होंने पहला यही बोला था, आप वही हो ना कहता था, जी मैं वही हूं। नहीं आप रियल वाले हो ना नहीं आओ टच करके देख लो यही था मतलब। पहले तो शॉक्ड होते हैं कि आप रिप्लाई कर देते हो, क्योंकि मैंने ज़्यादा एटीट्यूड रखा नहीं, नॉर्मली चल रहा हूँ हर किसी के साथ, मैं ज़्यादा वो हूँ ही नहीं कि हाँ यार कुछ फनकार बन गया, नहीं मैं नॉर्मल बंदा हूँ। जब लड़की थे कभी किसी लड़के को प्रपोज किया? नहीं नहीं, किसी ने प्रपोज किया? ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है करने वाले करते हैं, जाहिर है करती हैं, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, हो जाता है, पैचअप तो होना ही होता है, आखिर आसमान पे जोड़े बने हैं तो जमीन पे भी तो बनने चाहिए ना जोड़े, वो पुलों के नीचे भी बनते हैं नहीं वो नशियों के होते हैं अच्छा दाई माशाल्लाह आप लड़के बने हैं, गुड लुकिंग है, अच्छी पर्सनैलिटी है, आप लड़कियों ने प्रपोज किया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, फखर है मुझे इस बात पे। कितने एक्सेप्ट किए? एक्सेप्ट करता नहीं हूँ एक्चुअली, मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहता, तो जो एक मेरे माइंड में है मैं उसी से करूँगा, अगर हो गई तो, अदरवाइज तो फिर सारी बहन ही है सुन लो सुन लो धोखा नहीं दे रहा लाइव बोल रहा बिल्कुल नाजीन आपने जाना कि हमारे साथ दाएं मौजूद थे, जिन्होंने इस बात को सच साबित किया है कि अल्लाह पाक की बनाई हुई कोई भी चीज़ बुरी नहीं हो सकती, उसकी रजा में ही राजी रहना चाहिए। पहले ये लड़की थे, कुछ हार्मोन चेंजिंग आई जिनकी वजह से ये लड़का बन गए, ये तब भी खुश थे और अब भी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।